नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। बड़ा बाजार में एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ जो जंग है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि JC2 जितेंद्र कुमार गर्ग यहाँ पे मौजूद है और देखे किस तरीके से निगम के लोगों द्वारा ये सामान उठाया जा रहा है। बार बार कहने के ऊपर भी पता नहीं क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं ये लोग। इनको ये नहीं समझ आ रहा जितनी दुकान है आप उतना सामान क्यों नहीं रखते, या फिर दुकान के अंदर ही सामान क्यों नहीं रखा जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हालात है। जो रोड के दूसरी साइड भी है वो भी तब भी वहाँ भी सामान रखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिचुएशन है किस तरीके से सामान जो ऑनर है वो सामान अंदर फेंक रहे हैं, तो निगम के जो कर्मचारी है वो सारा सामान जो है गाड़ियों में लोड कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप वायरल सच के कैमरे के ऊपर देख रहे हैं। यहाँ पर आज धरातल के ऊपर एक बार फिर से JC यहाँ पर मौजूद है। आप पीछे देख सकते हैं कि पीला पंजा भी आ चुका है। जी हाँ, JCB एक नहीं बल्कि दो JCB यहाँ पर आ चुकी है। बार बार यहाँ पर आप सभी ने भी देखा होगा कि किस तरीके से एक और तो दुकानदारों ने घेरा होता है तो दूसरी तरफ गाड़ियां खड़ी होती है। आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को आगे शेयर करें और अपने कमेंट जरूर लिखें जो सदर बाजार में ही मौजूद है, जो इस हालात से बहुत ज्यादा परेशान है। आपके कमेंट्स, आपके व्यूज बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, कृपया करके इनको शेयर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आगे की पूरी दुकान के आगे की भी जो जगह है वो पूरी कैसे इंक्रोच कर ली जाती है। यहाँ पे आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से सीढ़ियों की शॉप है वहां पे, देखिए आप पुराना सारा सामान बाहर निकाल रखा है, रस्सियां बाहर पड़ी हुई हैं। जो जगह पार्किंग की होती है कि जहाँ पर जो कस्टमर आ रहा है वो गाड़ी खड़ी करके अपना सामान ले, वहां पर भी सामान रखा हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए आप लाइव तस्वीरें वायरल सच के कैमरे के ऊपर, JCB ने अपना काम शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लोकेशन जो है वो बड़ा बाजार है। बड़ा बाजार सदर बाजार के पास जो भूतेश्वर मंदिर के सामने का रोड जो कनेक्ट करता है सदर बाजार से, वहां से ये लाइव कवरेज चल रही है। लाइव तस्वीरें आप वायरल सच के कैमरे के ऊपर देख रहे हैं किस तरीके से अब लोगों को बोला जा रहा है JCB को कि हम खुद उखाड़ लेंगे, आप मत कीजिए। पहले क्यों ये कार्रवाई नहीं होती, पहले क्यों इसके बारे में नहीं सोचा जाता। यहाँ पे देखिए पेड़ पौधे सारे उठाए जा रहे हैं इनके द्वारा। लाइव कवरेज वायरल सच के कैमरे के ऊपर आप देख रहे हैं। रिक्वेस्ट आप सभी से, बहुत कोशिश की जा रही है इनके द्वारा, बट अभी तक जो है बाहर का जो एरिया एक्वायर किया गया उसको यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से झड़प हो रही है। आगे के लोग पहले ही मुस्तैद हो रहे हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं संज्ञान हो चुका है, पता लग चुका है। क्या कर रहे हो? यहाँ पे देखिए JJP नेता की ये शॉप है दिनेश अग्रवाल, और कैसे झड़प चल रही है। जो बाहर के एरिया पे भी इन्होंने एनक्रोच कर रखा है JCB के द्वारा, उनको देखिए उखाड़ा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव कवरेज वायरल सच के कैमरे के ऊपर। रिक्वेस्ट आप सभी से एक बार शेयर जरूर करें इसको। ऑफिस में बैठकर बोलना आसान है, किसी दूसरे को बोलना आसान है कि देश में बहुत इंक्रोचमेंट है, गुरुग्राम में बहुत इंक्रोचमेंट है। इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए धरातल के ऊपर जो एक्शन लेने पड़ते हैं उनकी आप लाइव तस्वीरें वायरल सच के कैमरे के ऊपर आप देख रहे हैं। पहले भी इनको आगाह किया गया था बट फिर भी ये दूसरी बार की सिचुएशन है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये दूसरी बार है कि दोबारा ये कार्रवाई जो है इनको करनी पड़ रही है, क्योंकि पहले भी एक बार वायरल सच के कैमरे के ऊपर ही ये सब कुछ हुआ था, बताया गया था, इंक्रोच ना करने के लिए बोला गया था। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम सिचुएशन है। आगे की तरफ जो रोड से भी ऊपर जगह एक्वायर कर ली जाती है, जो जगह या तो पार्किंग के लिए हो या जैन की सरकारी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी आगे की एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें, जो आगे का एरिया है उसको कहीं ना कहीं ऊंचा कर लिया जाता है, पत्थर लगा दिए जाते हैं, उसको भी JCB के द्वारा यहाँ पर तोड़ा जा रहा है।
सकते हैं कि कैसे सीढ़ियों की दुकान पे दुकान उतनी नहीं है जितना कि सामान पड़ा हुआ है। बाहर के साइड में भी देखिए आप कितना ज़्यादा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसके लिए शायद जनता भी ये नहीं चाहती, या कुछ लोग शायद गोडाउन नहीं ले सकते या कोई ऐसी और जगह नहीं ले सकते, बट वो यही कोशिश करते हैं कि जो बाहर की जगह है उसको एनक्रोच कर लिया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आगे की जो जगह है उसको पूरा तोड़ दिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितेंद्र गर्ग के द्वारा बोला जा रहा है कि पेड़ खराब नहीं होने चाहिए, पेड़ों को सुरक्षित रखा जाए, पर जो आगे की जगह एनक्रोच की जा रही है उसके ऊपर पीला पंजा चलाया जाए। यहाँ पर देखिए झड़प चल रही है, जो ऑनर है उनके बीच में, जो यहाँ पे लोग मौजूद है उनके दोनों के बीच में झड़प चल रही है। लाइव तस्वीरें वायरल सबके कैमरे के ऊपर आप देख रहे हैं। रिक्वेस्ट आप सभी से, और जो लोग बड़ा बाजार में है सतर्क हो जाए, अगर आपने भी आगे इंक्रोच करा है तो कहीं ना कहीं पीला पंजा जो है आपकी दुकान के ऊपर भी आ सकता है। यहाँ पर आप देखिए दुकानदारों में थोड़ा सा आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। जो आगे का एरिया है, आगे के एरिया को सभी ने अपने अपने तरीके से, किसी ने थोड़ा सा ऊपर करके बना लिया, किसी ने पत्थर लगाकर बना लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें वायरल सच के कैमरे के ऊपर। कुछ दुकानदार जो हैं जेसी के पास जाते हुए बातचीत के लिए, लाइव तस्वीरें वायरल सच के कैमरे के ऊपर आप देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, आगे पहुंचाएं, और जो आज बड़ा बाजार में कार्रवाई हो रही है आप सभी से भी अनुरोध है कि कृपया करके इसके ऊपर जो आपके व्यूज है वो जरूर बताएं। रिक्वेस्ट आप सभी से कृपया करके शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत हुई है, आगे देखना होगा कि कहाँ तक ये जो इंक्रोचमेंट है उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है यहाँ पर। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था कि जब लास्ट टाइम जितेंद्र गर्ग के द्वारा ये कार्रवाई की गई थी, यहाँ से लेकर पूरा सदर बाजार में भी राउंड लगाया गया था, जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट थी उसको हटाया गया था, बट कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार ही नहीं है इस चीज़ को। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथ जोड़े जा रहे हैं लोगों के द्वारा कि हम कर लेंगे, बट एक नहीं दूसरी बार ये है जो लगातार इस चीज़ को किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि हम खुद करवा देंगे, किसी भी सूरत में आज जो जितेंद्र गर्ग हैं वो इस चीज़ को हटाने के लिए तैयार नहीं है। 2 मिनट अभी कुछ समय में हम जेसी जितेंद्र गर्ग से बात भी करेंगे कि क्या मामला है, क्या पिछले हफ्ते पूरा काम किया गया अवैध निर्माण के ऊपर, क्या इस बार का काम इंक्रोचमेंट का है, क्या ये पूरा हफ्ता इंक्रोचमेंट में जाएगा, क्या करेंगे। यहाँ पर आप देखिए दुकानदार हैं जो आपस में बात भी कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी बात की जा रही है। आज
साथ बहुत ही सख्त रवैया है जो किया जा रहा है दुकानदारों के द्वारा। ये बोला जा रहा है कि आगे की जो जगह है जो इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पेशली ऊपर करके बनाया गया है ये थोड़ा एनक्रोच करने के लिए, और उसके बाहर गाड़ियाँ लगाई जाती हैं। जी हाँ, उसके बाहर पार्किंग के लिए स्पेस है कि वहाँ पे आप अपनी एक्टिवा लगाएं, जबकि ये आगे का स्पेस होना चाहिए जहाँ पर जो आने जाने वाली गाड़ियाँ हैं उनको लगाना चाहिए। दुकानदारों के द्वारा काफ़ी हद तक है जो यहाँ पर एनक्रोचमेंट की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुकानदार है जो बहुत ज्यादा आक्रोश में है, यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। जो यहाँ पर पोल लगे हुए हैं उनको भी बोला जा रहा है कि जो बिजली विभाग के द्वारा यहाँ पे एक्स्ट्रा पोल लगाए गए हैं उनको भी क्यों सही नहीं किया जा रहा। लाइव तस्वीरें हम वायरल के कैमरे के ऊपर देख रहे हैं कि किस तरीके से आज जो तोड़फोड़ है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, जो एनक्रोचमेंट है। देखने वाली बात यह है कि क्या आज के लिए ये जो कार्रवाई की जा रही है ये इसी तरीके से चलती रहेगी या फिर कुछ समय के बाद ये भी रुक जाएगी, क्योंकि पहले भी की गई थी और उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने फिर एनक्रोचमेंट का जो है वो जरिया बना लिया और अब ये दूसरी बार है। तस्वीरें हमारे सामने कैमरे के ऊपर देख सकते हैं, देखिए सुरेश टेडर काफी ज्यादा दुकान को लेकर काफी ज्यादा गरमाए हुए हैं। पुलिस अधिकारी भी आज यहाँ पर मौजूद है। जी हाँ, जो पिछले बार जो किया गया था उसके ऊपर कोई कार्रवाई मीन्स उस कार्रवाई के अंदर पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं थे, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी पुलिस वाले लोग मौजूद है। तरीके से जो है विरोध किया जा रहा है कि जो खंभे लगे हुए हैं बिजली के उनको उखाड़ने के लिए बोला जा रहा है। कहीं ना आक्रोश में आकर ये भूल गए कि कॉमन जो लगे हुए हैं खंभे जो कि बिजली के हैं
अधिकारी यहाँ पर आए हैं एक्शन के लिए, कार्रवाई के लिए, उनको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि अगर वोट लेने आओगे तो हमारी ओर से वोट नहीं मिलेगी। क्या ये अधिकारी जो है ये वोट लेने के लिए आएंगे यहाँ पर? यहाँ पर अभी हम जेसी जितेंद्र गर्ग से भी बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि आज की कार्रवाई क्या है, क्या करा जा रहा है। जितेंद्र जी, आज यहाँ पर दूसरी बार है कि आप बड़ा बाजार में आए, पहले भी आपके द्वारा कार्रवाई हुई थी, बट फिर वही एनक्रोचमेंट दोबारा स्टार्ट हो जाती है। ये बिल्कुल बात ठीक कह रहे हो, पिछली बार भी मैंने 2-3 घंटे लगाए थे, उसके बाद यहाँ 3 घटनाएं हो चुकी हैं। एम्बुलेंस को समय नहीं मिलता, फायर ब्रिगेड को समय नहीं मिलता, आम आदमी या जाम में 1-1 घंटे खड़ा रहता है। इन्होंने इनक्रोच किया हुआ है रोड को पूरी तरह, तो ये अब क्योंकि इन्होंने सोचा कि कार्रवाई हो चुकी है दोबारा नहीं आएंगे, पर ये अल्टरनेट उसमें वीक में कार्रवाई रहेगी और किसी भी हालत में रोड को इनक्रोच नहीं दी है। जो पिछला पूरा हफ्ता है आपका अवैध निर्माण के ऊपर चला, पीला पंजा लगातार चलता रहा, और आज अगर है जो मंडे शुरू हो गया, दूसरा हफ्ता शुरू हुआ, क्या माना जा सकता है कि ये पूरा हफ्ता इनक्रोचमेंट के ऊपर लगेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, ये रोड पे जो रोड साइड इनक्रोचमेंट है, चाहे वो टेम्परेरी है परमानेंट है, उसको पूरी तरह इनक्रोच फ्री किया जाएगा, रोड कम से कम बिल्कुल क्लियर कर। और यहाँ पे काफी दुकानदारों के द्वारा रोष भी है, लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है। ये जो इनक्रोचमेंट करता है वो व्यक्ति कभी अपनी गलती कभी नहीं मानता, तो ये तो विरोध होता रहेगा, पर गलत चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जो सही वे क्या है कि जो दुकान के बाहर का एरिया है वो कहीं ना कहीं जो कस्टमर आ रहे हैं उनके गाड़ी खड़े होने के लिए होता है, बट यहाँ पर भी क्या है वो बाहर का एरिया भी इनक्रोच कर लिया जाता है, और उसके जो बाहर का एरिया उसको एज अ पार्किंग यूज किया जा रहा है। बाहर के एरिया को जो रोड है उसको ये दुकान की तरह यूज कर रहे हैं, अपना सामान रखते हैं, पक्की जगह बना के उस पर अपना दुकान का सब पूरा सामान रखते हैं, उसके बाद फिर ग्राहक के लिए खड़े होने की जगह छोड़ी जाती है, उसके बाद कोई जगह ही नहीं बचती है। मेन मकसद क्या रहेगा, सिर्फ ये जो इनक्रोचमेंट चल रही है उसके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ अभी पिछले 3 दिन पहले मेरे पास एक शिकायत आई थी, एक महिला को यहाँ किसी 4-8 मरला में हार्ट अटैक की वो थी, तो उसे यहाँ से निकलने में 1.25 घंटा लगा था, तो मुझे पता नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा रोष जो है यहाँ के दुकानदारों के द्वारा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, पर जो आज जेसीबी है जो रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जो हालात है वहाँ पर ये बताए जा रहे हैं कि एक कंप्लेंट जेसी के पास आती है कि एक व्यक्ति की मदर जो कि पेशेंट है उनको सदर बाजार की ये दूरी तय करने में 1.25 घंटा लग गया, जस्ट बिकॉज इसलिए कि जो एनक्रोचमेंट है वो की जा रही थी दुकानदारों के द्वारा, और जो सड़क पर निकलने तक की जगह नहीं थी। कहाँ तक ये सही है, और आज का स्टेप कितना इसको आप सही मानेंगे कि ये जो किया जा रहा है यहाँ पर जेसी के द्वारा ये कितना सही है? क्योंकि यही वो एरिया है जहाँ पे 3 से 4 घटनाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं, जहाँ पर आग लग चुकी है, आगजनी हालत में यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड है वो नहीं निकल पाती। कहाँ तक ये चीज सही है आप खुद भी देख सकते हैं इसको। बाद में जो है इल्जाम प्रशासन के ऊपर लगाए जाते हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंक्रोचमेंट कितनी ज्यादा तादाद में यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो पुलिस कर्मचारी या पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उनको भी दुकानदारों के द्वारा बताया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है एनक्रोचमेंट को हटाने की एवज में, हमारी जो जमीन है उसको तोड़ा जा रहा है, बहसबाजी चल रही है।
हालात में ये जेसीबी रुकने को तैयार नहीं है। जेसीबी खुद यहाँ पर मौजूद है, जितेंद्र गर्ग यहाँ पर खुद मौजूद है। आगे की अगर आप देख सकते हैं कि आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जो एक्स्ट्रा गेट लगे हुए हैं उनको तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरी जेसीबी है जो वो भी अपना काम करते हुए यहाँ पर। आज जो बड़ा बाजार में ये कार्रवाई चल रही है, कृपया करके इसको शेयर करें। सेफ्टी पर्पस से देखा जाए तो ये रोड जो है इतना ज्यादा एक्वायर कर लिया जाता है कि एक तरफ तो इंक्रोचमेंट और दूसरी तरफ गाड़ियां खड़ी होती हैं। जी हाँ, जहाँ पर आज हम मौजूद है यहाँ पे निकलने के लिए भी जगह नहीं होती और कंप्लेंट के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है कि एम्बुलेंस को निकलने के लिए, इतनी सी जगह को कवर करने के लिए उसको पौना घंटा लग जाता है। क्या कारण आता है? कारण सिर्फ यही आता है कि एक तरफ इंक्रोचमेंट है तो दूसरी तरफ जो है वो ट्रैफिक को जो है वो कायम नहीं रखा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि दूसरी साइड जो है वो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। एक टाइम में यहाँ पर एक गाड़ी गुजरने की ही जगह बचती है। तो इस हालात में जो टू वे रोड है, उस हालात में क्या आगे प्रोसेस होना चाहिए उसके आधार पर यहाँ पर आज कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जेसीबी है लगातार चल रही है, काफ़ी लोग यहाँ पर भी एकत्रित है। यहाँ पर रिक्वेस्ट आप सभी से भी इसको शेयर ज़रूर करें। ये लगातार दूसरी मुहिम है जो यहाँ पर चलाई जा रही है और जेसीबी के द्वारा बोला गया है कि ये पूरा हफ्ता जो है वो इंक्रोचमेंट के ऊपर ही रखा जाएगा। देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या आगे चल के क्या कार्रवाई की जाती है। आगे का जो पूरा एरिया है उसको पूरा बराबर करने का आज ठान कर आई है एमसीजी। दोनों जेसीबी का पंजा जो है धड़ाधड़ चल रहा है। जेसी के द्वारा इंस्ट्रक्शन मिलती हुई कि क्या क्या किया जा रहा है। दुकानदारों का रोष लगातार चल रहा है और जेसी का पंजा जो है वो लगातार चल रहा है। ये देख सकते हैं कि कितना ज्यादा सामान है यहाँ पर जो यहाँ से ही उठाया गया है, जो इंक्रोच किया गया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक और जहाँ शायद इमारत यहाँ पे बन रही है या कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है उसका जो मटेरियल वो छोड़कर आगे चलते हुए। स्ट्रिक्ट एक्शन जेसी जितेंद्र गर्ग के द्वारा कि जो बीच में बोल रहा है दुकानदार उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाए। जी हाँ,
क्योंकि ये जो इंक्रोचमेंट इनके द्वारा की जा रही है दुकानदारों के द्वारा, अब दूसरा सख्त फैसला लेते हुए कि जो भी बीच में इस कार्रवाई को रोकने का प्रयास कर रहा है उसके ऊपर डायरेक्ट FIR दर्ज की जाए। निगम के कर्मचारियों को हिदायत देते हुए कि दूसरी तरफ भी अगर देखा जाए तो वहां पर भी सेम सिचुएशन है, उनको भी हटाया जाए। गाड़ियां दूसरी तरफ भी जाते हुए हिदायत मिलने के बाद, जितेंद्र गर्ग के द्वारा सख्त हिदायत मिलने के बाद, अब जो साथ में कर्मचारी मौजूद हैं उन लोगों की तरफ से एक्शन की कार्रवाई हो रही है। वहां पर शायद कहीं ना कहीं आज FIR भी दर्ज होगी ऐसे दुकानदारों के ऊपर जो बीच में इस कार्रवाई को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ पर पुलिस फोर्स भी मौजूद है और ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, क्योंकि इस एरिया में ट्रैफिक का अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात है यहाँ पर। बढ़ते हुए यहां पर भी आप देख सकते हैं कि आगे की जो देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो एरिया है वो आगे से इंक्वायर किया जाता है दुकानदारों के द्वारा, और वहाँ पर जो अंदर काम होना चाहिए वो यहाँ पर बाहर होता है, सामान बाहर रखा जाता है। दे रही है, पानी भर जाएगा तो कौन निकालेगा, पानी भर जाएगा तो कौन निकालेगा,
क्या जिंदर कर का निकाला गया पानी? कम से कम पैड़ियाँ जो दुकानदारों की टूट रही है, कम से कम सरकार 2-2.5 फुट तो छोड़ना चाहिए भाई। पैड़ियाँ जो है वो चढ़ने की वो तो ना तोड़े, कम से कम अतिक्रमण हो रहा वो गलत है हम मान रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण के अलावा जो ये जो पैड़ियाँ भी तोड़ रहे हैं वो सबसे गलत है। कायदे से क्या बनता है कि कितना एरिया पे कायदे से कम से कम 3 फुट दुकानदार को देना चाहिए? 3 फुट दे रखा है, 3 फुट एरिया कम से कम देना चाहिए भाई। इस एरिया में आप थोड़ा बहुत सामान भी रख लो या पैड़ी वैडी अपनी बना लो, इतना होना चाहिए। पानी भर जाते तो पानी निकालने का क्या वाले आते हैं सर? जो यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रही है, आपको लगता है कि वो सही है? देखो जो जरूर जाता है, कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, कोई इंक्रोचमेंट नहीं है यहाँ पर, कोई इंक्रोचमेंट। अपने घर पे जाने के लिए दुकानदार ने अपनी दुकान चलाने के लिए अपना रास्ता बना रखा है सर। रास्ता ठीक है, बट सर जो पीछे कार्रवाई हो रही है, जो इतने ज्यादा सामान है वो बाहर रखा गया है, आपको लगता है वो सही? बिल्कुल जायज बात है ये, आप माइनस और माइनस में मत ना जाओ, आप सबके देखो परेशानी देखो दुकानदार को, क्या कोई नाली है पानी निकलने के लिए? सारा शहर हमारा जो ना किस तरह से हो रहा है, फिर क्या करेगा वो? अपना नहीं जाएगा तो रास्ता नहीं बनेगा। अधिकारियों के पास गए जो ये पूरा आपका बाजार है उसकी कोई तो कमेटी बनी होगी? नहीं, कोई कमेटी बनी होगी उसके लेकर? कमेटी सभी बनी हुई है, कोई सुनने को राजी नहीं है, कोई नहीं सुनता। आपने डायरेक्ट के पास मैं जब बच्चा था ये कच्चा रोड था, तब कोई परेशानी नहीं थी, साथ में नालियां थी, रोजाना स्वीपर आते थे और साफ करते थे, कोई परेशानी नहीं थी। और आज आपके सामने आप भी जानते और हम भी जानते हैं, कहने वाला जो है ना आज खराब है। आज के सर आप नालियों का मुद्दा उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही है, आपको जाना चाहिए अधिकारियों के पास, बट ये जो आज कार्रवाई चल रही है ये सही है आपकी नज़र में या गलत है? अब ये देखिए, ये सरकारी जगह है ना, ये सरकार का बिछाया हुआ पैसा है, बताइए इसमें क्या एंक्रोचमेंट है जो आज टूट रही है? आप भी देख लो, ये देख लो, बाहर एक्स्ट्रा चीजें रख दी जाती है, सामान रख दिया जाता है। जायज बात, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक्स्ट्रा है, वो नहीं होना चाहिए। पर ये तो अब सरकारी वहाँ जो लगे हैं ना, सरकारी पैसा लगा हुआ है ना, वो हमारा ही है, आपका है। नालियों को लेकर आप कहीं पे जाने का प्रयास करेंगे? बेटा कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, हमारी उम्र गुजर गई, कोई नहीं सुनता। आज बिल्डिंगें तोड़ी जा रही है, नक्शे के लाइन में कितने लग रहे हैं, नक्शा बनाओ, सरकार सोचती है क्या क्यों लग रही है लाइन? आज पैसा भरने जा रहे हैं, पैसे की लाइन लग रही है, क्यों लग रही है? तो अब अधिकारी ये नहीं सोचते लाइन क्यों लग रही है? फिर ये तो ये कोई बात थोड़ी ऐसी चले, हिंदुस्तान ऐसी चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो व्यापारी है उनकी दो बहुत ही कॉमन सी मांगे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कि जो यहाँ पर पैसा लगा है, जो बाहर वाली साइड है यहाँ पर जो पैसा लगा है, ये भी कहीं ना कहीं सरकार का ही पैसा लगा हुआ है, और नालियों की सुविधा यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है। सरकार के पास जाए तो कोई सुनता नहीं है, इनका ऐसा कहना है जो यहाँ पर दुकानदार मौजूद है।
पर देख सकते हैं कि लोगों के द्वारा कुछ सूचित भी किया जा रहा है कि कहां पर सीवर है, कहां पर क्या व्यवस्था है, पूरा बताया जा रहा है। यहां पर इंक्रोचमेंट है जो लगातार यहां पर पीला पंजा जो है वो चल रहा है। लगातार इंस्ट्रक्शन देते हुए यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग काफी सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि जब से ये चल रही है मुहिम लोग यहाँ पर सतर्क हो चुके हैं। आगे जो है इंक्रोचमेंट का एरिया है वो पूरा जो है सही कर लिया गया है, जो सामान है वो अंदर किया हुआ है। लगातार चलते हुए यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जेसी के द्वारा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि अगर कोई कार्रवाई में बाधा डालता है तो उसके ऊपर डायरेक्ट FIR की जाए। आज ये जो रोड आपको काफ़ी खुला दिखाई दे रहा है, ये डेली रूटीन में अगर आप आए तो सिर्फ एक गाड़ी निकलने की जगह होती है, दूसरी साइड से गाड़ी निकलने की यहाँ पर कोई जगह नहीं होती। ट्रैफिक पुलिस और पुलिस दोनों मौजूद हैं, सख्त रवैया अपनाते हुए यहाँ पर जो है कार्रवाई की जा रही है। आगे भी देख सकते हैं कि आगे किस प्रकार से सारे दुकानदार हैं जो वो बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट हटाने की जो मुहिम चल रही है उसके चलते सारे दुकानदार हैं जो अपनी अपनी दुकानों के बाहर जो सामान पहले बाहर रखा होता था उसको अंदर कर लिया गया है। और आज आप देख सकते हैं जो निकलने का है, अगर आप वॉक भी कर रहे हैं तो काफ़ी स्पेस आपके पास है जो आप आराम से निकल सकते हैं। अदरवाइज जो डेली रूटीन में अगर आप आएँ तो आपके लिए निकलने के लिए यहाँ पर पर्याप्त जगह भी मौजूद नहीं होती है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आसपास गाड़ियाँ मौजूद हैं या फिर एक्टिवा बाइक है तो उनको उठाने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि आज ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और ट्रैफिक पुलिस जो गलत तरीके से बिना पार्किंग जोन के जहाँ पर व्हीकल खड़े हैं उनको भी उठाने का काम करेंगे आज। लगातार निगम के कर्मचारियों और लगातार जो निगम के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं उनके द्वारा बोला जा रहा है गाड़ियाँ किसकी हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है उनके द्वारा बोला जा रहा है गाड़ियाँ किसकी हैं, बट कोई भी जो है जवाब नहीं दे रहा है। यहाँ पर लाइव तस्वीरें वायरल सबके कैमरे के ऊपर देख रहे हैं आज। किस तरीके से जो है तोड़फोड़ का सिलसिला यहाँ पर जारी है। क्या हालात यहाँ पर बन चुके हैं। लगातार जो सिलसिला है वो जारी है, जेसीबी आगे बढ़ती हुई एक के बाद एक। बाइक वगैरह खड़ी हैं दुकानों के आगे उनको हटाया गया है। दुकानदारों द्वारा भी बोला जा रहा है कि जिस तरीके से सदर बाजार में 2-2.5 फुट जगह जो है वो आगे दी गई है, इसी तरीके से हमें भी जगह दी जाए। देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरा आगे का एंक्रोच है उसको तोड़ा जा रहा है।
चलाई जा रही है जेसी ज्वाइंट कमिश्नर टू जितेंद्र धर के द्वारा यहाँ पर चलाई जा रही है। एक बार पहले भी बड़ा बाजार में ये कार्रवाई हुई थी, पर उसके चलते फिर से यहाँ पर जो अतिक्रमण की है, जो वो स्थिति यहाँ पर दोबारा उत्पन्न हो गई थी और कंप्लेंट मिली है जितेंद्र घर को कि एम्बुलेंस निकलने की यहाँ पर जगह नहीं होती। जो रास्ता महज 2 मिनट या 5 मिनट होता है, वहाँ से निकलने में जो है 1.25 घंटा लग जाता है। उस केस में जो पेशेंट है, कोई भी इमरजेंसी में हो सकता है, सीनियर सिचुएशन में हो सकता है, सीनियर क्रिटिकल सिचुएशन में हो सकता है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। एक तरफ दुकानदारों द्वारा इंक्रोच किया जाता है तो दूसरी तरफ जो है वो गाड़ियां खड़ी रहती हैं यहाँ पर। पूरे सदर बाजार में पूरी उथल पुथल मची हुई है। जो बड़ा बाजार है वहाँ पर सारे जो दुकानदार हैं वो बाहर खड़े हुए हैं, आपस में डिस्कशन चल रही है। आपने देखा कि किस तरीके से आज जॉइंट कमिश्नर जितेंद्र गर्ग के द्वारा यहाँ पर जो है मुहिम चल रही है यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर। पीले पंजे आगे बढ़ते हुए आधे से ज़्यादा जो इंक्रोचमेंट है वो दुकानदारों के द्वारा या तो एक्स्ट्रा सामान बाहर रखा जाता है या धड़े वगैरह बना लिए जाते हैं। जिस तरीके से जो बाहर का एरिया एज ए पार्किंग यूज़ होना चाहिए, जो कस्टमर उनके पास आता है, बल्कि वो जो पूरा एरिया है वो यूज़ होता है उन्हीं की गाड़ियां खड़ी होने के लिए, और दूसरी तरफ भी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। आम दिनों में देखा जाए तो यहां पर निकलने की स्पेस नहीं होती। जितेंद्र गर्ग को एक जो जेसी हैं जितेंद्र कुमार गर्ग, उनको एक नोटिस कह सकते हैं कि एक कंप्लेंट मिली। कंप्लेंट